जवेरिया सेंचुरी भी बना ली माशाल्लाह इंटरनेशनल क्रिकेट में। आगे फिर हमारा जो टारगेट है एशिया कप है, भारत से भी हमें वहाँ पे टकराना है। तो जाहिर है इस इवेंट का स्टैंडर्ड तो उस इवेंट से मैच नहीं कर सकता कि इंटरनेशनल की तैयारी मिले, लेकिन कहाँ देख रही हो आप पाकिस्तान टीम को एशिया कप में? बिल्कुल, जो नई मैनेजमेंट आई है बहुत अच्छे प्लान से हम लोग काम कर रहे हैं और रिजल्ट्स भी आप लोगों के सामने होंगे। चाहे टीम्स हमारे मुकाबले की हैं जो भी हैं, हम बहुत अच्छे मार्जिन से उनको हरा रहे हैं और एक कंसिस्टेंसी है हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो फील्डिंग हो, बॉलिंग हो या बैटिंग हो। तो अच्छी जगह पर हम लोग जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एशिया कप जो आ रहा है उसमें भी हम कंसिस्टेंट तरीके से परफॉर्म करें और बेहतर नतीजे दें। आप बहुत सीनियर प्लेयर्स हैं टीम की, पहले कोशिश रहे हमारे लोकल फर्क क्या है कोचिज की कोचिंग के अंदर? वेल, मैं फ़र्क की बात तो नहीं कहूँगी, मैं मार्क की ये बात कहूँगी कि हर एक को इक्वली लेके चलते हैं और एक बहुत बेहतर प्लान के साथ वो एग्जीक्यूट कराते हैं हमें। और चाहे अगर बंदा रिजर्व में भी है तो वो उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं कैंप में, ताकि वो भी आके जब उसकी ज़रूरत पड़े तो वो फॉर्म और फिटनेस उसकी उस हवाले से और जितना कॉन्फिडेंस वो हर एक को देते हैं तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। आज गर्मी जो है वो बुरा हाल किया हुआ कराची में, लोग पहले तो पीसीबी को क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन आप लोगों की एफर्ट देख के सारे जो हैं अब वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा। क्या कहेंगे मौसम वाले तो बिल्कुल, मौसम के हवाले से तो अब क्या कहूँ, या ऊपर वाले को थोड़ा करम अगर कर दे तो, लेकिन ये है कि फिटनेस पे हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है, वाटर इनटेक, और एक प्रोफेशनलिज्म के नाते से हमारी जॉब है कि हमें जो भी मौसम हमारे लिए हो हम उस पर खेलें और वैसे ही परफॉर्म करें जैसे मौसम हमें सूट करता है। तो ये गर्मी फिलहाल हमें सूट नहीं कर रही, लेकिन इसमें ये है कि हमें अपना भी 100% देना है क्योंकि प्रोफेशनलिज्म यही कहता है। जवेरिया, दो मरतबा इंडिया से कहा जा रहा है कि एशिया कप में पाकिस्तान का मुकाबला हो जाएगा, कि एक बार तो ग्राउंड मैच और फिर फाइनल में भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो क्या पाकिस्तान टीम कैपेबल है इंडिया को एक ही इवेंट में दो मरतबा हराने का? बिल्कुल, इंडिया के साथ जो हमारा मैच होता है वो काफ़ी जाता है क्लोज, और कभी वो लोग हार जाते हैं कभी हम लोग हार जाते हैं। इस दफ़ा कोशिश होगी कि हम बेहतर प्लान के साथ जाएं और अपने नर्व्स पे कंट्रोल करें, क्योंकि वो मैच स्किल से ज़्यादा नर्व्स का होता है। अगर हम लोग नर्व्स पे बेहतर कंट्रोल कर सके तो इंशाल्लाह क्यों नहीं, हम एक नहीं दो दफ़ा उनको ज़रूर हरा सकते हैं।